नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं होशियारपुर न्यूज। दोस्तों, होशियारपुर के वार्ड नंबर 15 और 17 में यानी कि सुंदरनगर और भीमनगर में बारिश के कारण पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि लोगों के घरों में घुस रहे पानी से उसका बचाव करने के लिए यहाँ पर प्रशासन की गाड़ियाँ आकर खड़ी हो गई है। स्वयं जिलाधीश एवं यहाँ के विधायक यहाँ आकर खड़े हो गए हैं और इस समय बारिश के बीच हमारे साथ हमारे चीफ एडिटर श्री बिट्टू कश्यप जी भी बने हुए, जिन्होंने कि इस कवरेज को कवर करके जनता तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। उनकी इस सोच को हमारी लाखों लाखों कोटि कोटि प्रणाम है। देख रहे हैं आप बारिश के बीच होशियारपुर न्यूज की टीम डटी हुई है, घुस रहा है। लगातार बने रहिए आप होशियारपुर न्यूज के साथ। बारिश का पानी आता है, 8 फुट का नाला निकल जाए, किसी का घर द्वार नहीं टूटेगा। 8 फुट के नाला में पानी सारे निकल जाएगा, कोई चूहा का पानी नहीं आता है। बरसात का पानी आता है, ये 2 घंटे में खत्म हो जाना है। ठीक है, 11 फुट के जो गली है इसमें 8 फुट का नाला बन जाएगा। अगर सरकार अगर मदद करेगा हम मालने वाले की मदद करेंगे। नगर में जो बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, आप देख रहे हैं कि लोगों के घरों में पानी पूरी तरह से जा चुका है और लोगों के घर पानी के प्रभाव में आने के कारण टूट कर गिर चुके हैं। सर, क्या व्यक्त करना चाहिए? देखिए, जो डाउन एरिया है सारा देख रहे हैं आप, और आप देख रहे हैं सामने चौक के बीच में ही लोगों ने झुग्गियाँ बनाई हुई हैं। तो सारा जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है सबकी तरफ से ये इनको बोला जा रहा है कि जो डाउन एरिया में बैठे हैं वो ऊपर आ जाएं।
कि रात को अगर बारिश ज़्यादा होती है तो किसी को प्रॉब्लम ना आए। सारा एडमिनिस्ट्रेशन हम पंजाब गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए लगे हुए हैं कि लोगों की कोई दिक्कत ना आए। देखो जो जो लोगों का नुकसान है, आप देख रहे हैं घर सामने ऐसे ही रेता रेत के ऊपर घर बना लिए, जो है चलो ठीक है, हमने इसको कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर भी जो डाउन एरिया में घर हैं हम उनको बोल रहे हैं कि ऊंची जगह पे आ जाएं कि रात को इनको कोई दिक्कत ना आए। बारिश अभी आज रात भी हो सकती है, कल शाम तक भी हो सकती है, जितनी तेज़ बारिश है उसके लिए इंतज़ाम तो करने पड़ेंगे ना, वो सारे कर रहे हैं। सर जिस प्रकार से आप भली भांति परिचित हैं कि जिन लोगों ने यहाँ मकान बनाए हुए हैं, एक तो वो प्रवासी हैं, दूसरे वो मजदूर तबके से आते हैं, तो सरकार की तरफ से किस तरह की मदद की घोषणा आपकी तरफ से? अभी इलेक्शन कोड लगा हुआ है, कोई घोषणा नहीं हो सकती। अब तो हम लोगों का दुख जानने आए हैं, लोगों को सचेत करने के लिए आए हैं कि आप ऊंची जगह पे आओ। अब भी देखो पानी चल रहा ना, लोग नीचे जगह पे बैठे हैं, हम उनको अवेयरनेस करने देने आए हैं कि आप अपना बचाव कीजिए। देखो सारी चीज़ आप देख रहे हैं, इसके क्या बोलना है। सर जो ऊंची जगह पर आएंगे वो किस तरफ संदेह आपका संकेत, किस तरफ ऊंची जगह पर चले जाएं, वो लोगों के घरों में लोगों को मदद के लिए किस प्रकार से? सर कोई बात नहीं, सरकार साथ है, अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मदद भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता है कि हमारा है वो 1385.13 है, तो कल 3 बजे पोंग डैम से 49,000 क्यूसिक पानी रिलीज़ किया जाएगा, बट उसमें कोई पैनिक की या कोई खतरे की बात नहीं है, क्योंकि वो पानी आपका फेज्ड मैनर में छोड़ा जाएगा। तो 15,000 क्यूसिक का तो उनका सिर्फ टर्बाइन में ही यूज़ हो जाएगा, और 5,000 करके वो ग्रेजुअली इसको रिलीज़ करेंगे। बट जितने लो लाइंग एरियाज़ है, चाहे वो दसवा के हो, मुकेरिया के हो, या चो एरियाज़ हो, जैसे मान लो ये चो है वहाँ पे जहाँ पे लोगों ने कोई अपने घर बनाए हैं, तो ऑब्वियसली वो लो लाइंग एरिया पे एक खतरा बना रहता है। तो हम यही अलर्ट प्रशासन की तरफ से कल से हमने जारी किया हुआ है कि वो सचेत रहें, और अगर कोई टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट्स या टेम्प्रेरी कोई हैबिटेशंस है तो वो ज़रूर वहाँ से शिफ्ट करें, क्योंकि अगर वो नेचुरल कोर्स में है तो वो खतरे की बात है, बट अदरवाइज कोई भी पैनिक या खतरे की बात नहीं है। मैम परंतु मौसम विभाग की ओर से कब तक इस तरह के मौसम की? ये आज का था, आज एंड कल तक, क्योंकि हिमाचल पे भी हम डिपेंडेंट हैं, तो वहाँ पे कल भी बारिश की प्रिडिक्शन है, तो आई थिंक कल के बाद हालात जरूर सुधरेंगे। मैम बरसात के बाद हम देखते हैं जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो डेंगू फैल जाता है, होशियारपुर के जनता को किस प्रकार सचेत करना चाहिए? देखिए इसमें हमें पता है, क्योंकि पहले भी अभी कॉलरा का इंसिडेंट ब्रेकअप हुआ था, तो हम जो डेंगू या वाटर बॉर्न डिजीजेस के लिए ऑलरेडी हमने कल टीमें गठित कर दी हैं, सारे लो लाइंग एरियाज जो प्रोन है वहाँ पे हमारी टीमें एक्टिव हैं, किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी ना फैले, चाहे वो वाटर बॉर्न हो वेक्टर बॉर्न हो, हमारी टीमें उसका पूरा पूरा जायज़ा ले रहे हैं। तो आप देख रहे थे कि सबसे पहले हमारे होशियारपुर के विधायक एवं उद्योग मंत्री श्री सुंदर श्याम अरोड़ा जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, और प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बताया कि किस प्रकार से इन लोगों को अपने जीवन की सुरक्षा के लिए भी खुद भी सचेत रहना चाहिए, और उन्हें ऐसे सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए जहां पर कि बारिश के पानी से उन्हें नुकसान ना हो। उनके जिलाधीश होशियारपुर के श्रीमती ईशा कालिया जी ने अपने बयान देते हुए बताया कि आज तक जिस प्रकार से इस मौसम का बना रहना बरकरार रहेगा, इस प्रकार से इन लोगों को अपने जीवन में अपनी सुरक्षा के हेतु साथ साथ अपने आस पड़ोस की सुरक्षा के हेतु भी ध्यान रखने की विशेष तौर पर जरूरत है। इस मौके पर पूरे शहरवासी को एकजुट होकर के मदद करने की जरूरत है। बने रहिए आप होशियारपुर न्यूज के साथ। बहुत खराब अमीर तो शनिवार का पैरा है, हटने का नाम नहीं ले रहा है। हमारी घर में छत्ते चो रही है, रियासत के घर की पक्के मकान, अभी ये वहाँ नीम में देखो पानी, नीयो का पानी बाहर आ गया है, कहाँ जाए गरीब लोग, कहाँ जाए? प्रशासन कोई मदद नहीं कर रही है? लोग कोई कहाँ आए हुए हैं, देखो क्या सीजन लिया उन्हें पूछो, अगर क्या सीजन है, कुछ कोऑपरेट होनी चाहिए पूरी। परंतु जिन लोगों ने मतलब बीच में मकान बना रखे हैं जो के बीच में, हाँ जी, और जिनके कारण दूसरे लोग भी परेशान हो रहे हैं, इस पर क्या कहना है? बच्चा तो गलत बात है, अब पानी के कारण वो कहाँ जाएंगे, अब देखो अब पानी के कारण कहाँ जाएंगे वो, इसलिए वो पानी का जो मेन होल है खुल जाता है, उसी पर पानी सारा सड़कों पर आ जाता है, जो भी आसपास मकान है सब पानी में डूब जाते हैं। अब आप सरकार से क्या मांग करते हैं? अब क्या मांगते हैं कि इसका प्रबंध किया जाए, ठीक है ना जी, इसका जो भी प्रबंध करे, इसका सफाई करवाएं, जो भी है सीवरेज का, घर भी यहाँ है, घर भी है वो भी पानी में आधा डूबा हुआ है। ये पानी कितने दिन तक खड़ा रहता है? पानी तो जहाँ जी हर वक्त खड़ा रहेगा, बारिश के बाद 4-5 दिन तो पक्का ही रहेगा।
हमारे साथ बने हुए हैं बाढ़ के काउंसलर मिस्टर प्रदीप कुमार जी। आइए इनसे बातचीत करके जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं मुख्य तौर पर आ रही है इनके बाढ़ में। सर आपका परिचय। मेरा नाम प्रदीप कुमार जी, 15 नंबर वार्ड का MC। ये बरसात के कारण बहुत हालात हम लोग का सुंदरनगर ख़राब है, और ये जो नाला है, नाला बंद है सारे नाला, और आपके सामने देखिए गटर का पानी कितना ऊपर से जा रहा है, जो कि हमारा छोटे छोटे जो मजदूर लोग हैं इसको महावीर मिल में फैक्ट्री में जाने में इतना औखा हो रहा है। मेरा बहन को भी इतनी परेशानी आ रहा है कि पूछो मत। कमेटी वाला को मैं परसों भी बुलाया था, आज भी आया, उन्होंने दिखाया, वो कहता बरसात हटने दो फिर देखेंगे, जब सुंदरनगर रोड जाएगा फिर बाद में देखेगा। ये लोग का ये हालात है। मतलब सरकार की तरफ से किसी प्रकार की मदद की पेशकश नहीं की गई? अभी कुछ भी नहीं किया गया सरकार की तरफ से अभी तक। बस मौके पर आया आज शाम सुंदर रोड़ा मंत्री साहब, उन्होंने आया, TC साहब भी आया, तिवारी जी भी आया था, उन्होंने मौका देखे गया, थोड़ा JCB लेके वो नाला नुला चर्च बना रहा है, लेकिन उससे उतना हम लोग का फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। जब तक मैं नाला नहीं निकलेगा, जो कि नाला 30 करीब का चो है, वो निकलना चाहिए। जो ना ज़्यादा निकले मैं कहते 20 फुट भी तो निकाल दो कि पानी निकलता हो जाए, लेकिन जब मेन चीज़ यही होगा वो जब तक नाला नहीं निकलेगा हम लोग का सुंदरनगर का सुधार नहीं होगा। आपने देखा कि काउंसलर साहब ने बातचीत के दौरान एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि इनकी बहन को भी काम पर जाने के लिए इस रास्ते से जाने में तकलीफ होती है, यानी कि बाढ़ की बेटियां कार्य करते हुए भी सुरक्षित नहीं है। क्या ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि उनको सुरक्षित रास्ते का प्रबंध करवा दिया जाए कि ताकि वो अपने काम पर जा सकें? क्या ये सरकार का काम नहीं है कि बेटियों को या बाढ़ में रह रहे उन लोगों को, मजदूर वर्ग को भी सुरक्षित स्थान और सुरक्षित सड़कें इंतजाम करवा कर दिए जाएं? सवाल में आपने उठाना है सवाल, और जवाब देगी सरकार। बने रहिए होशियारपुर न्यूज़ के साथ।